बिल्कुल कोई क्यों, केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कई दशकों बाद ना सिर्फ आर्थिक मंदी आई है, आर्थिक जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 5% के पास आ गया, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मामला आज देश में है वो बेरोज़गारी का है। 100 दिन में सरकार बनने के बाद प्रचंड बहुमत मिला सरकार को, बेहतर होता कि सारे काम छोड़कर नौजवानों को बेहतर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कुछ नीति बनाती। अब 100 दिन निकल गए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1,70,000 करोड़ रुपये सरकार ने और ले लिया, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि कैसे इस पूरे मुश्किल हालात से हम लोग कैसे निकल पाएंगे। और उसके ऊपर देश भर में भाजपा के नेता जाके भाषण दे रहे हैं और उपलब्धियां गिना रहे हैं, जब देश में ऐतिहासिक मंदी है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ जो कारखाने बंद हो रहे हैं, इस गंभीर समस्या से निकलने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार ने किए नहीं हैं। हमें लगता है कि प्रदेश में और देश में यह ऐसा माहौल बना है कि सरकार बनने के बाद एकदम बाद से धरातल पर एक बहुत नकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है और ये बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है। भावनात्मक मुद्दों को हवा देने की बजाय बेहतर होगा कि केंद्र की सरकार सबको साथ लेकर काम करे, अच्छे समझदार लोगों से संवाद स्थापित करें ताकि आर्थिक चुनौतियों का सामना हाँ पूरा देश कर सके। आज करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जो रोज़गार से वंचित हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा किया नहीं गया, बनस्पत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर खर्च कर कि बताएं हम कितनी हमने उपलब्धि की है, कैसे हमने अर्थव्यवस्था को सुधारा है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बनाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सर, बीजेपी नेताओं का अक्सर ये आरोप रहा है अभी कि जो केंद्र से पैसा आ रहा है वो लग नहीं रहा है स्टेट में। ये देखो, अभी वित्त आयोग आया था, हमारी लंबी मीटिंग हुई है, हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि राजस्थान को उसका हिस्से का जो पैसा है वो मिलना चाहिए। देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर कोई राज्य है तो राजस्थान है, राजस्थान उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार इन सब राज्यों से बड़ा है और यहाँ पर जो बसावट है वो बहुत फैली हुई है, तो यहाँ पर जो सुविधाएं देनी होती हैं शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, सड़क की, उसे बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए हम सब ने कल कहा, वित्त आयोग 15वीं वित्त आयोग के चेयरमैन साहब आए थे एनके सिंह जी, हमने कहा कि राजस्थान को जितना पहले पैसा मिलता था कम से कम उतना तो मिले, उसमें कहीं गिरावट आई है। आंकड़ों के जाल में फंसाकर प्रदेश को कम पैसा देना ऐसा हमें स्वीकार नहीं होगा। मुझे खुशी है कि वित्त आयोग ने कहा है कि अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद हैं क्योंकि जो जो पैसा यहाँ पर आ रहा है, जो केंद्र के द्वारा चलाई गई स्कीम्स हैं, उसको हम बिना रोके काम कर रहे हैं। ये छोटे मन की बात हमारी पार्टी कभी करती नहीं है कि क्योंकि भाजपा ने शुरू किया था स्कीम्स को बंद कर दें, ख़त्म कर दें, छटनी कर दें, हम तो चाहते हैं कि और व्यापक बनाएं, अगर कहीं कमियां हैं स्कीम्स में उसको हम और बेहतर सुधार कर आगे लेकर जाएंगे। सुरक्षा को लेकर बात हुई की जा रही है कि सीमांत की जो सुरक्षा है वो RSS के माध्यम से, कोई भी संगठन बजाय प्रवचन करने के उनको नमन करना चाहिए इस देश के शहीदों को। आज एक नौजवान जो शहीद हुए हैं कि हमारे पुष्कर के हेमराज जी, उनको हम श्रद्धांजलि देकर आए हैं। हमारी वर्दी पहने जो सैनिक खड़े हैं धूप में, तूफान में, जंगल में, बर्फ़ में, रेगिस्तान में, वो अपने रोज़ अपनी जान की बाजी लगाते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और वो हमारी सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। मुझे लगता है हम सबको देश की एकजुटता के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, उन लोगों को अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करना चाहिए। जज्बाती मुद्दों को हवा देकर वोट बटोरने का काम अब समय समाप्त हो चुका है, अब विकास और नौजवानों को रोज़गार की बात करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी तक भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद में बंगला खुली नहीं किया। मुझे लगता है सबको कानून की पालना करनी चाहिए और बाकी राजस्थान की सरकार जो जो आदेश आते हैं कोर्ट्स के उनको हम हमेशा लागू करवाते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की सरकार इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करवाएंगे।